इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एक और बड़ा खुलासा, 20 कंपनियां 103 करोड़ का चुनावी चंदा, कानून का जमकर उड़ा मजाक। सुप्रीम कोर्ट से चुनावी चंदे पर फैसला आने के बाद से नित नए खुलासे हो रहे हैं। चुनावी बॉन्ड्स को लेकर अब एक नया खुलासा सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। इस खुलासे में 20 कंपनियां हैं और 103 करोड़ रुपए हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। इन 20 कंपनियों ने दबाव में या फिर चाहे जैसे भी कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर 103 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इन 20 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड्स क्यों खरीदे, साथ ही ये क्यों कहा जा रहा है कि इन कंपनियों ने कानून का मजाक जमकर उड़ाया है, क्योंकि इसे तो कोई भी कंपनी खरीद सकती थी और पार्टियों को चुनावी चंदे दे सकती थी। इस बारे में द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी बॉन्ड्स के जारी डेटा से ये पता चला है कि तकरीबन 20 ऐसी नई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करीब 103 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। इसमें बड़ी बात यह है कि ये सभी 20 कंपनियां बिल्कुल नई थी, इनको फर्म हुए 3 साल का वक्त भी पूरा नहीं हुआ था। बात यही फंस रही है और कानून का मजाक यही उड़ता दिखाई दिया, क्योंकि कानून के मुताबिक 3 साल से कम अवधि वाली कंपनियों को चुनावी बॉन्ड्स खरीदने का रूल ही नहीं था। यानी रूल के मुताबिक 3 साल से कम अवधि की कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदे दे नहीं सकती हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस तरह की नई कंपनियों ने अपना पहला इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, उनमें से 5 कंपनियां तो 1 साल से भी कम अस्तित्व में थी, वहीं 7 कंपनियां 1 साल पुरानी और 8 कंपनियों ने पूरे 2 साल ही पूरे किए थे। इन 20 कंपनियों में कई कंपनियां ऐसी हैं जो 2019 में शुरू की गई थी। उस वक्त इंडिया आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और उसके ठीक बाद कोरोना महामारी से देश जूझ रहा था। इन कंपनियों ने अस्तित्व में आने के कुछ ही महीनों के बाद करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। अब आते हैं नियमों पर। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 1985 में ही ये रूल बनाया गया था कि 3 साल से कम अवधि वाली कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकती। ये रूल शेल कंपनियों पर नकेल कसने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इस बात का डर था कि शेल कंपनियां बनाकर राजनीतिक दल और कंपनियां चुनावी चंदे का खेल कर सकते हैं। ये चुनावी चंदे के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से बचने के लिए ऐसा रूल बनाया गया था। अब सवाल यह है कि ये कंपनियां कहां स्थित है और किन पार्टियों ने उनसे गैर कानूनी तरीके से चुनावी चंदे लिए चुनावी बॉन्ड्स के जरिए। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इन 20 कंपनियों में से 12 के मुख्यालय तो हैदराबाद में ही है, जिन सभी ने मिलकर 37.5 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा राजनीतिक दलों को दिए। चौंका देने वाली बात यह है कि इस रकम का 75% हिस्सा बीआरएस पार्टी ने भुनाए थे, उसके बाद टीडीपी और आगपात पैद और बाद में बीजेपी और कांग्रेस का नाम आता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।